हेलो गाइज, मेरा नाम अमियंक। तो स्वागत है आपका एक GDA5 की वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा तुम्हारे भाई ने ना अपने शोरूम से पहली गाड़ी डिलीवर करी थी उस बंदे को, और जो बाकी की पेमेंट थी ना उस बंदे ने अभी तक तो अपने को कॉल नहीं करा है। और वो कह रहा ना यार माइकल, मैं तुझे पेमेंट सारी दे दूंगा और तेरा एक भी रुपया यहाँ पर नहीं रखूंगा। तो चलो गाइज यार, इस वीडियो को लाइक हमें पूरे 10,000 लाइक का, चैनल पर चाहे भी जूस है ना सब्सक्राइब कर देना। 100K की इंसान फैमिली के बहुत ही क्लोज है, तो जल्दी से ना कंप्लीट करा दो अपने भाई की 100K इंसेन फैमिली। और यहाँ पर ना गाइज, इस समय मेरे दिमाग में एक आइडिया है जो अपनी सिक्योरिटी है ना यार, आपको पता होगा एक डॉग्स की सिक्योरिटी, एक तो यार जो अपने बंदों वाली सिक्योरिटी है लाइफ इन्वेटर से, ये तो तगड़ी है ही है। और जो अपनी डॉग्स की सिक्योरिटी है उसको हमने एक बार भी टेस्ट नहीं करा है, पर जिस बंदे से हमने डॉग्स वगैरह लिए थे ना वो करता है यार ये जो सिक्योरिटी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाहे तो तुम अजमा के देख लेना इसको जब मर्जी। और लेस्टर ने बोला यार अगर अपने को डॉग्स रखने हैं तो यार वो तो तगड़े होने चाहिए। तो जिस करके ना लेस्टर ने अपने को एक आइडिया दिया था, अपने को ना यार कोई बंदे चाहिए होंगे जिनके पर हम अपने डॉग्स का अटैक वगैरह करा सकें, और फिर अपने को पता चलेगा यार कितने खतरनाक अपने डॉग हैं। तो यार आपको पता ही होगा अपनी बालस से तो बिल्कुल भी इस समय नहीं बनती है। और यहाँ पर ना मेरे जो दिमाग में गैंग आ रही है ना कि बालस बंदे को उठा के ले आते हैं, इनके दो बंदे मैं जरूर उठाने को, और यार वहाँ ले जाके ना इनकी क्या ही हमारे डॉग गेम बजाएंगे। अगर वो बजा सकते हैं तो पक्का बजाएंगे, नहीं तो यार क्या ही फ़ायदा इतने भी ज़्यादा पैसे हमें खर्च कर दिए डॉग्स के ऊपर। और अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो हम उनको डॉग वगैरह वापस कर देंगे। तो चलो गाइस यार जल्दी से ना कोई जगह ढूंढते हैं अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, तो ये जगह ना पूरी परफेक्ट रहेगी। अभी मैं एक राउंड मारकर आया हूँ, वहाँ पे तो गैंग वगैरह पूरी खड़ी है, तो अपने को यार अगर हम डायरेक्ट जाएंगे ना तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो बालस गैंग है ना यार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो कह सकते हो आप लोग। और यार एक बंदे के ऊपर अटैक करा तो यार सारे के सारे बंदे ना पागलों की तरह ऊपर अटैक कर देते, तो अपने को ना पूरा दिमाग लगाकर उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो गाइस यार अपने पास ना पूरा अच्छा मौका इस समय। तो चलो गाइस यार जल्दी से ना मैं अपना बेसबॉल बैट यहाँ पर निकाल लेता हूँ, जिस करके मैं सुरन के सिर पर एक रख के दूंगा और यार ये बेहोश यहाँ पर हो जाएंगे। तो चलो यार यहाँ पर ना कोई और भी बंदा इस समय ना देख ले, अगर देख ला यार फिर बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जाने वाली है। एक सेकंड गाइस यार, क्या पता यार मैं इनको स्मोक से यहाँ पर बेहोश कर सकूं। तो जल्दी से ना मैं सुरन एक स्मोक यहाँ पर फेंक देता हूँ, और जल्दी से यार अब तुम्हारा भाई इनके मारने वाला एक बैट रख के सिर पर, तो निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। और ये भी देख रहे हो क्या ही सीन में पूरी चौड़ में यहाँ पर सिगरेट वगैरह खींच रहा था, और तुम्हारे भाई ने दोनों को यहाँ पर सुला दिया, और यहाँ पर ना स्मोक तो हो जाएगा जिस करके इन बंदों को लगेगा ना और बालास के कि यहाँ पर पता नहीं क्या एक्सीडेंट वगैरह होगा जिस करके यहाँ पर स्मोक हो गया। तो चलो गाइस जल्दी से मैं और भी यहाँ पर स्मोक वगैरह फेंक देता हूँ, क्योंकि ना इस स्मोक की खास बात है अगर कोई बंदा इस स्मोक को दूर से देखेगा तो उसको लगेगा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्मोक हुआ पड़ा, अगर हम इसको क्लोज से देखेंगे तो गाइस आपको भी यहाँ पर स्मोक वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा इतना। तो चलो यार फाइनली तुम्हारे भाई ने ना उन दोनों को अपनी गाड़ी के बीच में रख दिया। तो जल्दी से ना ट्रेवर भी अपने साथ इस समय बैठ चुका है, और इस समय हम लोग जाने वाले हैं शोरूम, क्योंकि यार डॉग्स वगैरह भी तो चेक करने। और जैसे आप देख रहोगे ना जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने इन दोनों को एडजस्ट करके ना पीछे की तरफ रख दिया है, और अब जल्दी से ना हम लोग निकल लेते हैं शोरूम की तरफ। तो यार इस समय ना मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम बालास गैंग के एरिया में जाकर दो बंदे वहां से लेकर आए किडनैप करके, ये बंदे ना इस समय मरे बिल्कुल भी नहीं है। तो यार बस यार इनको बेहोश कर दिया बैट मारकर सिर पे, और बस अब देखना पड़ेगा कि अपने डॉग किसी काम के हैं कि नहीं है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने बंदों को ना अंदर की तरफ लेकर चलें कि बाहर ही रखें, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा। तो पहले यार इनको जल्दी से ना मैं बाहर की तरफ उतार लेता हूं। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप देख रहे हो दोनों बंदों को ना तुम्हारे भाई ने ना बाहर की तरफ गिरा दिया है, अब देखते हैं यार क्या ही करना चाहिए। तो चलो यार ट्रेवर से मैंने बात करी, तो ट्रेवर यहाँ पर कह रहा है कि जल्दी से ना माइकल को खड़ा कर दे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे दोनों बंदे यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, तो यार ट्रेवर कह रहा है कि यार जल्दी से ना अब इनके ऊपर करना चाहिए अपने को अटैक। तो सही है गाइस यार, हम देखते हैं कि अपना डॉग है अपने इशारे इस समय मानेगा कि नहीं, जो भी हम उसको कमांड देंगे वो करेगा कि नहीं। तो चल बेटा आज जल्दी से मेरे पीछे। तो देख रहे हो हस्की अपना आ चुका है इस समय, तो देख रहे हो बहुत ज़्यादा खतरनाक डॉग लग रहा है। और जल्दी से ना मैं सोच रहा हूँ एक एक किक मारूँ यहाँ पर या क्या ही सीन करूँ, तो जिस करके अपना डॉग अटैक कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चलो यार ये तो अभी बाद में ही पता चलेगा जब हम इनको मारेंगे, तो निकल यहां से पहली फुर्सत में। तो चलो गाइस जैसे आप देख रहे हो ना अपना डॉग इसके पास आ चुका है इन दोनों बंदों के, और यहां पर भाई साहब डॉग ने कर दिया है इनके ऊपर अटैक। पहले तो मुझे लगा था यार अटैक ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला, बाद में देख रहे हो गाइस यार डॉग ने ना एक बालास वाले को तो पूरा ही खत्म कर दिया, और भाई दूसरा तो डर रहा था और अपने डॉग ने इसके ऊपर अटैक करा, तो भाई ने लात मार दिया, रुक बेटा भी तेरी ऐसी तैसी दे देगा अपना डॉग। यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो ना अपने डॉग ने ना इन दोनों बंदों को यहां पर मार दिया। तो फाइनली गाइस यार मुझे तो लग रहा है अपना एक हस्की है ये कामयाब हो चुका है, और जो बाकी के डॉग है ना वो भी पावरफुल यहां पर होंगे ही होंगे। और यहां पर जैसे आप देख रहे हो ना जो भी ब्लड वगैरह के निशान है ना इन बालास के ऊपर अपने डॉग ने लगा दिए, तो सही है गाइस यार इन दोनों ना मर चुके। मुझे इनके लिए बुरा तो लग रहा है, पर यार ये टेस्ट करना तो बनता ही था, और अपने डॉग पावरफुल यार मुझे तो अब यकीन हो चुका है कि सारे
सारे के सारे पावरफुल हैं। और ट्रेवर यहाँ पर ना लेस्टर को सेंड करने के लिए एक वीडियो तैयार कर रहा था। जैसे आप देख रहे हो ना, ट्रेवर यार अभी तक लगा पड़ा वीडियो शूट करने में। अरे बस कर भाई यार, अब हो तो चुका अटैक वगैरह सब कुछ हो चुका है। चलो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो गाइस, अभी भी टेंशन यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो शिप वाला बंदा ना, उसको हमने पैसे वगैरह देने हैं, तो जो उसका हिसाब किताब रहता था, मैं जो रहा हूँ इस समय चलता है, क्योंकि हमारे पास आए थे पैसे और जो उस बंदे ने दिए थे अपने को $10 million। तो जल्दी से ना वो वाला ब्रीफ केस उठाते हैं और उसके पास चलते हैं, उसके बाकी के पैसे उसको देते हैं। और भाई देख रहे हो, फ्रैंकलिन भाई अभी तक यहाँ पर खड़ा है। चलो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, फ्रैंकलिन से अपनी पूरी बात हो चुकी है। तो फ्रैंकलिन ने ना अपने को इस समय पैसे वगैरह दे दिए जो भी थे ब्रीफ केस में। और यहाँ पर एक न्यू प्रॉब्लम है, क्योंकि ना ट्रेवर भी अपने साथ जाने को कह रहा था। यार ट्रेवर को मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाला यार, मैं तो दोनों से ना ही लेके जाऊँ, क्योंकि आपको पता है जो यार वो शिप वाला बंदा है, उसने ना लोकेशन उसकी जो है वो सीक्रेट है। तो उसने अपने को पहले बोला था, अगर इस लोकेशन के बारे में किसी और को भी पता चला तो फिर देख लेना तुम्हें ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। पर यार देख लो, ट्रेवर ना बिल्कुल भी ना कह रहा है, मानने को तैयार ही नहीं है गाइस। यार बार बार कह रहा कि मैं भी चलूंगा, नहीं तो मुझे बुलाना बिल्कुल भी मत। तो चलो गाइस, यार आपको पता है ट्रेवर का गुस्सा, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है ट्रेवर। तो इस समय ना यार जबरदस्ती अपने साथ बैठ तो चुका है और ये कह रहा चाहे प्रॉपर मुझे उस रास्ते तक मत लेके जा, और आधे ही रास्ते तक ले चल। तो चलो गाइस, यार जैसे कि आप यहाँ पर देख लोगे ना, ट्रेवर सही में गाइस यार बहुत ही ज़्यादा जिद्दी बंदा है। तो जल्दी से ना मैं इसको आधे रास्ते तक लेके चलता हूँ, जहाँ तक मुझे जेट्स की नहीं मिल जाती। तो चलो यार, जाने को तो मैं गाड़ी से जा सकता था अगर ये उड़ सकती तो। वैसे आपको पता है गाइस यार, उसका जो शिप है ना वो बिल्कुल पानी के सेंटर में है। वहाँ पर ना एक हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, और किसी शिप से जा सकते हैं, तो उसके अलावा और किसी भी चीज़ से नहीं जा सकते। तो चलो यार, फाइनली हम यहाँ तक तो आ चुके हैं। बस यार ट्रेवर अब चुपचाप ना तो यहीं पर रहा है, नहीं तो गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाए। तो चलो यार, ट्रेवर यहाँ पर कह रहा है कि ना ये यहाँ पर अपनी जो लैम्बोर्गिनी है ये गाड़ी लेकर जाएगा, इधर उधर राउंड मारेगा, और जब मैं आऊँगा ना तो उस समय अपने को कॉल कर लेगा, तो यार उस समय अपने को लेने आ जाएगा। तो चलो यार, जैसे कि अब तुम देख रहे होगे ना, तुम्हारे भाई को लाइफ गार्ड की एक जेट्स की मिल चुकी है। तो सही में गाइस यार, अपनी किस्मत है, जब भी हम उसके पास जा रहे होते हैं ना, अपने को एक जेट्स की तो पक्का मिल जाती है। तो जल्दी से ना अब इसको लेकर चलते हैं उस बंदे की लोकेशन की तरफ। एक तो लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर है यार वो। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, पूरी यहाँ पर रात हो चुकी है और यार पूरा अंधेरा है। एक तो इसकी लोकेशन और भी ज़्यादा दूर हो चुकी है। तो यार हमने इसको कॉल करा कि तेरी बोट वगैरह कहाँ पर है, तो यार उसने अपने को बताया कि जो मेरी बोट है ना वो हमने बदल दिया लोकेशन, तो हम और आगे की तरफ जा चुके। तो चलो यार, फाइनली तुम्हारा भाई तो जैसे तैसे पहुँच चुका है, और अब जल्दी से ना जो अपनी बोट है ना, जल्दी से मैं पार कर देता हूँ यहाँ की तरफ। और सही है भाई, पिछले लास्ट टाइम तो यार जो अपनी बोट थी ना, वो तो यार पानी के बहाव से कहाँ ही निकल गई थी। तो इस समय ना मैं परफेक्ट यहाँ पर लगा के जाता हूँ। तो भाई अब ये ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और जो सिक्योरिटी है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है यार, सिक्योरिटी तो पूरी ऊपर की तरफ। चलो गाइस यार, अब जल्दी से ना मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि जो ऊपर वाले बंदे हैं ना, इनको अपने बारे में पता चल चुका। तो भाई ये तब से कह रहा है कि माइकल यहाँ पर आ चुका है, तो बेटा जल्दी से आ जा, हमारा बॉस ना ऊपर की तरफ है। और आज गाइस यार इनके हाथ में अलग ही गन है, AK-47 है। तो गाइस रोज ना वीडियो मेकर होती है, तो आज AK-47 है इन सबके। तो यार जल्दी से ना हम आगे की तरफ चलते हैं, और जो भी पेमेंट है ना इस बंदे को इसकी पूरी यहाँ पर कर देता है। तो ये कहाँ पर है यार, एक तो यार इतने वेपन्स वगैरह ना हमेशा गिरा के रखता है, और किसी ना किसी को यहाँ पर ये मार के रखता है। और ये कह रहा है जो हमारा बॉस है ना वो तुम्हें मिलेगा थोड़ा आगे की तरफ, और तुम माइकल नीचे की तरफ भी जा सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है, नहीं तो यार ऊपर की तरफ हो सकता है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना इनके बेसमेंट में यहाँ पर चलना पड़ेगा, जहाँ पर ना ये लोग वेपन्स वगैरह रखते हैं। तो हम लोग ना बहुत ही बस क्लोज हैं, थोड़ा सा ही रह गया इसके बेसमेंट की तरफ जाने में। और यहाँ पर गाइस इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, और यहाँ पर हर अंधेरे के कॉर्नर में एक बंदा जरूर से मौजूद है। और यहां पर गाइस उन्होंने मुझे गलत ही बताया था कि बेसमेंट में, पर ये बंदा ना इनको पता नहीं यार क्या ही कमांड दे रहा है। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो गाइस, हमने ना इसको पूरी पेमेंट कर दिया है, और ये इस समय थोड़ा सा खुश तो हो चुका है, पर ये कह रहा कि तूने अभी तक माइकल मुझे क्लियर बात नहीं करी है कि मिलिट्री गर्ल को तू मारेगा कि नहीं मारेगा, या फिर यार तेरी ही मैं गेम बजा दूं। तो भाई अब ये कह रहा कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैं तेरी गेम बिल्कुल भी नहीं बजाऊंगा। पता नहीं गाइस यार क्या ही चक्कर में बिना बात के ये बंदा डाल रहा अपने को। तो चलो यार, अब जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और मैंने इसको बोल दिया भाई मैं तुझे ना अभी सोच के बताऊंगा, क्योंकि आपको पता जो मिलिट्री का कर्नल है यार वो छोटी मोटी पावर नहीं है, पूरा लॉस सैंटोस उसके अंडर है यार, जो भी पुलिस है यार उसके अंडर है, और वैसे भी ना जितने भी लोग हैं और जितनी भी गवर्नमेंट है पूरी मिलिट्री कर्नल के अंडर है। अगर हम उसके ऊपर अटैक करेंगे यार, अगर गलती से भी किसी को पता चल गया, फिर अपनी ना दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अपने को तो खतरा है ही, जो भी अपनी फैमिली है ना पूरा खतरा उसको भी हो जाएगा। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो अपनी जो जेट्स की है
प्रॉपर अपने सामने खड़ी है। और हम तो आज बोल के गए थे इन बंदों को कि यार जो जेट्स की अपनी यहीं पर रखना, क्योंकि ना उस दिन तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी जेट्स की को ढूंढते ढूंढते। तो फाइनली ना अपनी जेट्स की यहाँ पर मिल चुकी है, और अब जल्दी से ना मैं चलता हूँ सीधा गैरेज की तरफ। और मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ट्रेवर इस समय आएगा मुझे लेने के लिए, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ना वो भाई साहब नशे वगैरह करके ना अलग ही दुनिया में सो चुका हो। यार जल्दी से ना मैं अपनी ये बोट लेकर ना अपने गैरेज के पास ही चलता हूँ। यार गैरेज मेरे मुँह से क्यों निकलता है बार बार, वैसे तो अपना वो शोरूम है, तो जैसे आप देख रहे हो पानी से ज़्यादा तेज तो ये जमीन पर इस समय चल रही है। और यहाँ पर यार बंदों के सामने से क्या ही कट बजा है, और मुझे बिल्कुल भी भरोसा गाइस यार नहीं हो रहा ये कैसे चल पा रही है जमीन के ऊपर। शायद से ना ये बोट के नीचे पानी होगा तो अलग ही सीन होगा, तो बहुत ज़्यादा दूर तक अपनी बोट आ चुकी है। तो चलो गाइस यार अब जल्दी से ना हम लोग अपने गैरेज के बहुत ही क्लोज पहुँच चुके हैं, तो जल्दी से ना अपने शोरूम की तरफ चल लेते। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना हम लोग आ चुके हैं अपने शोरूम में। और हाँ गाइस यार अगर आपने अपने भाई के साथ बात वगैरह करनी है ना तो जल्दी से ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, तो लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो जैसे कि मुझे लग रहा था ट्रैवर ने ना बिल्कुल भी इसको नहीं ठोका पीटा इस समय, और अपनी जो गार्ड है ना यहाँ पर प्रॉपर खड़ी है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग चल लेते हैं अंदर की तरफ, और बैनी और चीफ यहाँ पर पूरा लगे हुए हैं काम करने में। और जल्दी से ना अब चलते हैं हम लोग ट्रैवर को देख लेंगे ट्रैवर कहाँ पर है। तो भाई साहब यहाँ पर ये बिल्कुल भी इस समय नहीं सोया और चुपचाप बैठा हुआ। तो चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर जाकर लाइक कर देना, लाइक है पूरे 10,000 लाइक का। चैनल पर चैनल को भी चूज है ना सब्सक्राइब कर देना, 100K की इनसे फैमिली के बहुत ही क्लोज है तो सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो फॉलो भी जरूर से जाकर कर लेना। तो चलो गाइस यार मिलते हैं बहुत ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।